हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हल करने के लिए जो चीज़ दी हुई है प्रश्न में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर शंकु का आयतन दिया हुआ है, आयतन जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यहाँ पर मैं शंकु बना देता हूँ, ये शंकु की ऊंचाई है, ये त्रिज्या ऊंचाई है और इसके आधार की त्रिज्या आर है। तो आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि 100 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 100 पाई लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर की वैल्यू यहाँ पे दी है, त्रिज्या भी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आर भी रख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर इंटू एच। अब मेरा पाई से बराबर में पाई कट जाएगा और ये हो गया 100 इक्वल टू 1/3, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इंटू एच। 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बराबर 1/3 इंटू एच। तो यहाँ से मेरी शंकु की ऊंचाई या हाइट आ जाएगी 4 × 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो जैसा कि समकोण त्रिभुज में जानते हो, एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, तो एच में रखूँगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और आर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा 169 हो जाएगा, जो कि 13 का वर्ग है। तो एल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। तो यहाँ से वर्ग हटा दूंगा मैं, तो एल बराबर आ जाएगा मेरे पास 13। अब मुझे शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल। तो पाई आर की वैल्यू हमारे पास 5 है और एल आ गया मेरा 63। इस तरह एल आया मेरा 13, तो 13 × 5 करूँगा, 13 × 5 = 65, 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।